हे चाइम्स व्हाट्सअप तो कल रात जब से न्यूज़ की अनाउंस हो गई है ट्रांजेक्शन को लेकर के कन्वर्जन डेट्स को लेकर के डिसम्बर 23 में पास नहीं हुए तो कैसे क्या होगा फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा इन सब को लेकर के काफ़ी सारे र्यूमर्स और काफ़ी पैनिक अक्रॉस सी ए फाउंडेशन कम्युनिटी फैला हुआ है तो मेरी अटमोस्ट रिस्पॉसिबिलिटी है कि मैं कुछ मैसेजेस uh, आपके थ्रू वीडियोज़ तक कम्युनिकेट करूँ तो इस वीडियो में मैं आ, जो ट्रांजिशन स्कीम मतलब कहने का मतलब आपको बिल्कुल टेंशन लेने की बात ही नहीं है आप बस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाइए वेबसाइट पर जो ऊपर आपका न्यू स्कीम वाला सेक्शन है आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं यहाँ पे न्यू स्कीम अनाउंस हो रही है ठीक अब न्यू स्कीम पे आप क्लिक करोगे नीचे ट्रांजिशन स्कीम नाम से आ, जो है एक टॉपिक है उसको अगर आप क्लिक करो तो कुछ यूं ये वाला प्रोस्पेक्ट ये खुल जाएगा इसमें आपको क्या करना है यहां पे आपको सिंपली जाना है मैं नीचे लिंक भी करूँगी इसमें आप आइए मेरे साथ बैठ करके फाउंडेशन वाली जितनी भी बातें हैं आई थिंक पेज नंबर ट्वेंटी वन पे है आइए वन बाय वन साथ में समझते हैं और साथ में एक एक बात क्लियर करते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है इस बात को लेकर के कि क्या डिसंबर ट्वेंटी सच में टफ है मुझे छोड़ देना चाहिए क्योंकि डिसंबर ट्वेंटी अगर हम फेल होगा क्योंकि सेवेंटी बच्चे तो फेल ही होते हैं तो जो है फिर से हमको पूरी चीजें पढ़नी पड़ेंगी रीवलीडेशन पता नहीं क्या क्या करवाना पड़ेगा कन्वर्स इसके ऊपर मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो अभी कुछ और बात कर रहे हैं हम लोग ठीक है तो आइए मैं और आप साथ-साथ में पढ़ते हैं मैंने भी अभी इसको खोला हुआ है आगे देखते हैं इंस्टीट्यूट क्या कहता है वन बाय वन सब कुछ समझेंगे अ द स्टूडेंट्स हु अपीयरड इन क्लास 12th एंड रजिस्टर्ड इन फाउंडेशन कोर्स टिल 1st जुलाई यानी कि कल तक फर्स्ट जुलाई तक जिन बच्चों ने डिसम्बर ट्वेंटी थ्री वाले एसपेरेंट्स ने अपना रजिस्ट्रेशन uh, करवा लिया उनका पहला अटैम्प्ट एग्जिस्टिंग स्कीम में और आखिरी अटैम्प्ट होने वाला है एग्जिस्टिंग स्कीम में डिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ठीक अब बात करते हैं स्टूडेंट्स जो कि अपीयर करेंगे डिसंबर ट्वेंटी थ्री वाले आऊंगी आपके ऊपर स्टूडेंट्स जो कि अपीयर करेंगे क्लास ट्वेल्थ में मार्च दो हजार चौबीस में ठीक है और एंड हैव रजिस्टर्ड और वुड रजिस्टर इन फाउंडेशन कोर्स टिल फर्स्ट फेबर अभी जो डेट्स है ना वो फर्स्ट जुलाई ये वाली नहीं रही है ये फेबर चेंज हो गई है तो कहने का मतलब है समझिएगा कि क्लास ट्वेल्थ वालों जो भी हमारे बैच में भी हो तुमको आ, जून ट्वेंटी फोर का एग्जाम देना है ना तो आपके पास जो रजिस्ट्रेशन का टाइम है वो फर्स्ट जनवरी नहीं है वो फर्स्ट फेब्ररी हो गया है क्यों क्योंकि यहां पे जो रजिस्ट्रेशन है वो फर्स्ट जुलाई से एक्सटेंड होकर के सेकेंड ऑगस्ट हो गया ना तो वो एक महीने का गैप तो इंस्टीट्यूट देगा ही तो कहने का मतलब है कि अगर आप मे ट्वेंटी आपका सॉरी हाँ जून ट्वेंटी आपका पहला अटैम्प्ट होने वाला है अभी तो मे ट्वेंटी फोर जबान चढ़ा हुआ है जून ट्वेंटी आपका पहला अटैम्प्ट होने वाला है तो आप फर्स्ट ऑफ फेबरी तक आराम से रजिस्टर

खुद इस ट्रांजेक्शन स्कीम का आप पेज नंबर ट्वेंटी पढ़ लीजिए ठीक है आइए अब आगे बात करते हैं अब क्लास इलेवंथ वाले बच्चे हैं मैम जल्दी हमारा डिसेंबर ट्वेंटी थ्री वाला बताओ बताती हूँ बताती हूँ क्लास इलेवेंथ वाले बच्चे हैं जिन्होंने रजिस्टर कर लिया है वो भी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे इलेवेंथ वाले भी बहुत सारे भोकाल बच्चे हैं जिन्होंने पहले ही रजिस्टर कर लिया है तो आपके ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है जून दो में आपका पहला अटैम्प्ट होगा अगर आप रजिस्टर कर चुके हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है आप वापस से कन्वर्ट हो जाओगे यू विल भी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड तो क्लास इलेवेंथ वालों जून टू वालों आप जो है पेज नंबर ट्वेंटी पढ़ लीजिए राइट अभी एक दो चीज़ें मुझे और बतानी है हाँ जी तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आप अगर पेज नंबर 19 पे आ जाए देखिए क्या लिखा हुआ है डिसंबर 23 वालों के लिए है जो अनसक्सेसफुल हो जाएंगे स्टूडेंट्स हु इन क्लास ट्वेल्थ एंड रजिस्टर्ड टिल फर्स्ट जुलाई देयर अटेम्प्ट इज डिस 2023 ठीक If a candidate is not successful, page number 19, if a candidate is not successful in December 2023 attempt, he will be automatically converted to the new scheme of education and training. कहीं भी, भी नहीं लिखा है कि आपको फिर से पूरी की पूरी फीस देनी पड़ेगी ये तो obvious है ना conversion, validate, revalidation ये सब कब required होता है जब कोई चीज by default rule ना हो तुम कहने का मतलब है कि December 23 का paper दोगे नहीं by chance clear हो गया तो क्या तुम्हारा फिर से वही attempt होगा existing scheme में नहीं Institute ने मना कर दिया है तो

देना चाहिए नए में ही सीनियर्स कह रहे हैं नए में ही आ, जो है आ, कर, वो करवा लो पहला दो तो इन सारी बातों पर हम चलिए चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और एक बात और बताना चाहूँगी सी ए फाउंडेशन क्लासेस जो कि हमारा पोर्टल है उस पर मे ट्वेंटी फोर की न्यू स्कीम के हिसाब से लेक्चर्स आने वाले हैं हमने अपनी फ़ीस और भी कम कर दी है बच्चों के यू नो पॉकेट फ्रेंडली प्राइजेस करने के चक्कर में और दूसरा हमने ऑल लाइव बैच इंक्लूडिंग मैथ्स भी लाइव बैच लॉन्च कर दिया है तो ज़रूर उसको देखना मत भूलिएगा आई विल बी वेरी एक्साइटेड टू टीच यू इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हम क्या कर रहे हैं कि हम इस बार से कुछ नया लेकर के आए हैं सी ए फाउंडेशन क्लासेस पर ना टारगेट दे रहे हैं बच्चों को हमें पता है कि बच्चे तो कहीं से ही पढ़ लेंगे बट कहने का मतलब है बच्चा हमारे पास आ रहा है तो कुछ उम्मीद से आ रहा है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड हो उसके जो है वीकली काइंड ऑफ टेस्ट हो तो ये सब हमने इस बार अपने पोर्टल पे करना शुरू कर दिया है सीए फाउंडेशन क्लासेज वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं और चैनल को चैनल के साथ जुड़े रहिए सीए फाउंडेशन क्लासेज यूट्यूब के क्योंकि इस पर सब कुछ मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल क्रिस्टल क्लियर भाषा में बता देती हूँ थैंक यू सो मच